गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को नौवीं कक्षा के संस्कृत व्याकरण में ल्यप प्रत्यय का शेष उदाहरण तथा तुमुन प्रत्यय के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं ल्यप प्रत्यय के उदाहरण में है कि इसमें आप जानते हैं कि पहले ही मैंने बताया था कि इसमें पहले उपसर्ग लगा हुआ होता है, उसके बाद धातु होती है, फिर प्रत्यय होता है, उसके बाद प्रत्यांत रूप होता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि वि उपसर्ग है, हस धातु है, इसमें ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है तो प्रत्यांत रूप बना है विहस्य। उसके बाद वि धातु है, स्मृति वि उपसर्ग है, स्मृति धातु है, ल्यप प्रत्यय है और प्रत्यांत रूप बना है विस्मृत्य। उसी तरह से यहाँ देख रहे हैं कि नी उपसर्ग है, हरी धातु है, इसमें ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है तो प्रत्यांत शब्द इसका बना है, प्रत्यांत रूप बना है निहृत्य। अब है उप उपसर्ग है, स्पृश धातु है, इसमें ल्यप प्रत्यय लगाने से प्रत्यांत रूप बना है उपस्पृश्य। उसके बाद फिर यहाँ उत उपसर्ग है, अस्था धातु है, इसमें ल्यप प्रत्यय लगा है तो प्रत्यांत रूप बन गया है उत्थाय। फिर यहाँ वी उपसर्ग है, श्री धातु है, यहाँ ल्यप प्रत्यय लगाए हैं तो प्रत्यांत रूप बना है विसृज्य। उसके बाद वी उपसर्ग है, ज्ञा धातु है, इसमें ल्यप प्रत्यय लगाए हैं तो यहाँ प्रत्यांत शब्द बन गया है विज्ञाय। अब इस प्रकार जो है कि ल्यप प्रत्यय और उसके उदाहरण समाप्त हुए, आगे मैं आप लोगों को यहाँ पर तुमुन प्रत्यय के बारे में बता रहा हूँ। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए में अर्थ में किया जाता है, जैसे सह तत्र गंतुम इच्छति, इसका अर्थ है कि वह वहां जाना चाहता है, यानी यहाँ पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए अर्थ में हुआ है कि वह वहाँ के लिए जाना चाहता है, या वह वहाँ पर जाना चाहता है, या वह वहाँ जाना चाहता है, ऐसे इसका अर्थ निकालेंगे। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग आप देख रहे हैं कि के लिए के अर्थ में यहाँ किया गया है। अब तुमुन प्रत्यय को धातु के साथ प्रयोग करने पर इसका उन जो है वह लुप्त हो जाता है, उन का लोप हो जाता है और केवल तुम ही शेष रह जाता है। इस प्रकार यह जो है कि तुमुन प्रत्यय का हम आरंभ किए हैं। तुमुन प्रत्यय का उदाहरण मैं अगली कक्षा में आप लोगों को लिखाऊंगा।